नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में G7 की बैठक हुई, ऐसे में G7 के बारे में हमने इसके पहले भी कुछ शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे में यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। जैसा कि उसको ही देखते हुए आज हम ब्रिक्स देशों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ब्रिक्स की कल्पना कैसे की गई। जैसा कि ब्रिक्स समूह एक मजबूत समूह के रूप में उभर करके सामने आया है, ऐसे में कई देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसके कारण ही यह वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। सितंबर 2006 का समय था। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की 61वीं बैठक में ब्रिक्स की कल्पना की गई। जैसा कि ब्रिक्स की कल्पना जिम ओ नील के द्वारा की गई थी। जैसा कि जब यह समूह बना उस समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। जैसा कि ब्रिक्स समूह की कल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इसकी पहली बैठक जून 2009 में हुई। कि जब यह समूह बना तब ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। जैसा कि ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो वर्ष 2021 के अनुसार कुल 42% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और वहीं दुनिया का 30% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है और वहीं इनके पास दुनिया की 26% GDP भी है और वहीं 20% आयात निर्यात करते हैं। जैसा कि ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए इसके सभी सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। यदि कोई एक सदस्य भी किसी देश को इसमें शामिल होने की मंजूरी नहीं देता है तो ऐसे में वह देश इस समूह में शामिल नहीं हो सकता। जैसा कि ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मैक्सिको, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, सीरिया, सूडान और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है।